तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, एशिया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो जितेंद्र आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जितेंद्र यूपी से आया हूँ, भदोही से। तो आपने इससे टेलीकॉम को इतनी दूर इतना जोधपुर आप आए हैं, क्या आप देख कर आए हैं यहाँ पर इतनी दूर? एक महीना आपने क्या देखा हमारे यहाँ? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक नया नया स्टूडेंट को अभी ये लाइन में मोबाइल रिपेयरिंग में मैं मुंबई से एक इंस्टीट्यूट में सीखा था। वहाँ पे मतलब उन्होंने जितना उनको जानकारी थी उन्होंने बताया, लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ और मैं गांव आया, गांव में काम करने के लिए सोचा। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आता गया और मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था, 10 मोबाइल आते थे तो 2-3 ही बना पा रहा था, तो मुझे अपने अंदर कमी महसूस हुई कि मुझे अभी बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर। तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा, तो मैं लगभग सबका वीडियो देखता था। तो उस वक्त मैं ये भी देखता था कि सारे वीडियो में जो टीचर्स होते थे वो फाइल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा कि यहाँ पे खुद स्टूडेंट फाइल को फॉलो करते हैं और सर जो पूछते हैं या कोई पूछता है उसको तुरंत जवाब देते हैं और यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है सबको। और जितेंद्र बताइए क्या दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पर, आपने कुछ तैयार किया है बताइए। एक चीज हमने मतलब सर ने जैसा जैसा पढ़ाया प्रैक्टिकल कराया, मैं रूम पे जाके सर ये मैं खुद से अपना बुक टेस्टिंग कर करके मैंने पूरा एक बुक बना दिया हूँ खुद से, इसमें किसी ने बता रहे सब अपने मन से मैं पूरा ये एक बुक बना दिया हूँ। सर ये देखिए, ये शुरू से लेके पूरा हर एक सेक्शन लिख दिया हूँ, लगभग जितना भी मैं पढ़ाया मुझे पढ़ाया गया है मैं प्रैक्टिकल कर करके लगभग पूरा बुक लिख दिया हूँ हार्डवेयर का। तो ये मैंने तो नहीं लिखवाया ना आपसे? नहीं सर आपने नहीं लिखवाया, मैंने खुद प्रैक्टिकल कर करके जो पार्ट मिलता था मुझे जो उसके बारे में नॉलेज मिलती थी प्रैक्टिकल कर करके मैं खुद से अपने आप लिखा हुआ हूँ। तो उसके ये सब चित्र के साथ में लिख दिया हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, उसका ड्राइंग भी किया हूँ, मतलब आपने सर्किट ये को ट्रेस किया है? सर्किट भी ट्रेसिंग किया हूँ, हर एक पन्ने पर हर एक सेक्शन में मैं ट्रेसिंग किया हूँ, आपको दिखा देना। तो आपने पूरे ही भर दिया भाई? जी सर पूरा सेक्शन मैं ट्रेसिंग करके पूरा उसके बारे में खुद से समझ के लिखा है। ये देखिए आगे सब लाइट डिस्प्ले सेक्शन और सब नाम भी लिख दिया उसके बारे में, बहुत ज्यादा लिख दिया सर जितना मुझे मिलता था। अच्छा ये बताओ ये हम यहाँ पे दिन में लिखवाते तो नहीं है? नहीं सर आप बिल्कुल नहीं लिखवाते थे, मैं ये अपने मन से पूरा टेस्टिंग किया बनाया अपने, क्योंकि मैं आपसे बोलता भी था कि जो यहाँ पे कर रहे हो और जो यहाँ पे सीख रहे हो रात में जाकर ट्रेस करो और कॉपी में उतार के मुझे अगले दिन दिखाओ। ये सर आप खुद बोलते थे, मुझे लग रहा था कि जब तक हम लोग अपने से ट्रेस नहीं करेंगे हमको कुछ नॉलेज नहीं आएगा, यहाँ पे आने का फालतू चला जाएगा, हम लोग पैसा इतना पैसा नहीं है, मतलब घर वाले भी इतना सोच समझ के भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है, घर वाले भी हमें पूछ रहे थे कैसा चल रहा है, अभी भी पूछते हैं, लेकिन हम लोग बताते नहीं हमने सही डिसीजन लिया। और मतलब पूछते मैं क्या वो घर पे था, घर मेरे माँ बाप या चाचा जो भी है बहुत मतलब आशा लगा के बैठे हुए कि मैं आके दुकान खोलूंगा अच्छा शॉप करूंगा पैसा कमाऊंगा उसके बाद में, लेकिन जब मैं वहाँ मुंबई जा रहा हूँ ये जैसा उस वक्त में भी लगाए थे, लेकिन उस वक्त मैं नहीं कर पाया। और मैं अपने आसपास के बड़े जो दुकानदार थे जो बड़े 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 टेक्नीशियन थे उनके पास भी गया बैठा था, लेकिन वो लोग ठीक से नहीं सिखा रहे थे, जो उनकी टेक्निक थी वो भी नहीं बता रहे थे, तो मुझे महसूस कमी फील हुई महसूस हुई। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया एशिया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। बिल्कुल। और आप क्या एक दूसरे बच्चों को राय देंगे कि क्या देखना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट को? सबसे पहले मैं दूसरे सेलेक्ट कर सकता जी सर सेलेक्ट करके ये देखना चाहिए कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उसमें टीचर लोग फॉलो कर रहे हैं फाइल को या स्टूडेंट,
ये देखना चाहिए, और उनकी क्या एक्सपीरियंस है वो देखना चाहिए, कैसे कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये सब देखना चाहिए उनको। और यहाँ पे सब लोग स्टूडेंट ही, मतलब सर के बताने के बाद स्टूडेंट जो रहते हैं वो सब अपने आप फॉलो कर लेते हैं, हर एक पार्ट को पहचान लेते हैं, हर एक सेशन को देख लेते हैं, कोई भी पार्ट आता है तो अपने से फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे स्टूडेंट का जो रहता है वो टीचर लोग खुद ड्राइंग करते हैं और खुद ही पार्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैंने तुम लोग को खुद आगे बुला बुला के ड्राइंग करवाया सर, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते थे और हम लोग पूरी मेहनत से यहाँ पे प्रैक्टिकल करते थे और फॉलो भी करते थे। और यहाँ पे आपने एक और चीज सीखी होगी कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता सर, आप मेहनत यहाँ पे कुछ नहीं। और सर हमारे सर भी ऐसा नहीं है मोबाइल पर इनके फील्ड में प्रोटेक्शन करते, हमें खुद भी प्रोटेक्शन करते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे सब कुछ करना चाहिए, कैसे मतलब सबसे बातें करनी चाहिए, सब समाज में कैसे चलना है, ये सब हमें सर सिखाते हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत अच्छा आपने कहा, और मैं यही कहूंगा कि आपकी जो दुआएं आपके माँ बाप के साथ है वही ये है कि आप आज इतना आपने मेहनत करके ये सब काम किया है, और वही दुआएं आपको इतने आगे ले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको जो आपको चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपको लाइफ में मिलेगा। जी सर, वही सोच के आया था, और आज हमें साल लग रहा है कि मैं आज ऊपर जा सकूं, बहुत ऊपर जा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे सर की आशीर्वाद। बट आप कभी हौसला मत हारिए, धैर्य और संयम के साथ में काम कीजिए, और आप देखिए मैंने आपको बताया कि आप मुझे अपनी जगह पर रख के देखिए, और आप देखिए कि एक दिन आप अपना नाम, मेरा नाम और अपने माँ बाप का नाम, सबका नाम रोशन जरूर करेंगे एज अ टेक्नीशियन और एज अ एक अच्छा इंसान बनके। थैंक यू जितेंद्र, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है, आई होप आप मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप लिखिए देवव्रत नगरवाल, स्पेलिंग आपको यहां पर शो हो रही होगी, आप लिखिए गूगल में देवव्रत नगरवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जो कि पहला है एशिया टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं, एशिया टेलीकॉम में मैं डालता हूं मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो, तीसरा अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉइड एप्स मिल जाएंगे, और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां। तो दोस्तों अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच। নমস্কার বন্ধুসকল, মই বকুল লস্কৰ অসমৰ পৰা আহিছো, মধ্যপ্ৰদেশ জবলপুৰ, ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এছিয়া টেলিকম ষ্টুডেণ্ট। বন্ধুসকল আজি মই এখন কিতাপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত, যিখন কিতাপ নেকি মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কিতাপ হয়। এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল গতিকে কথা হ'ল কি, আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপখন মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতি প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে। এইখন হাৰ্ডৱেৰ অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেওঁলোকে বনোৱা নাই ছাৰে, আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহি বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে, আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম অলৰেডি চব লিখা আছে, এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব। এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে, এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे, इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.